वेलकम बैक टू एंड मीडिया लोन, जहाँ पे आपको एंड मिसल कॉन्टेंट रेगुलर मिलते रहते हो। तो आज हम लोग डेथ नोट के एल के बारे में बात करने वाले कि हम एल को क्यों पसंद करते हैं, इसके बाद ठीक रीजन देने वाला है। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक ओपी क्रिएटर है जिनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड वन नंबर ठीक को एक्सप्लेन करने वाला है, इंट्रोडक्शन देने वाला है, तो आ जाओ भाई। हेलो गाइस, मैं हूँ फैक्टून्स और ये मेरा पहला कोलैब वीडियो होने वाला है, और वो भी एनिमे डिटेल जोन भाई के साथ। और ये वीडियो खूब ज़्यादा खास होगी क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक हमारे फेवरेट एनिमे डेथ नोट के सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैरेक्टर डिटेक्टिव एल पर होने वाला है। नंबर 3, एल का स्टाइल यूनिक एंड अमेजिंग होने की वजह से उसको फैंस पसंद करते हैं। एल कभी ये नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। एल हमेशा उस स्टाइल में रहता है जिसमें उसे कंफर्ट हो, जैसे कि उसके कपड़े और बैठने का तरीका, जो कि देखने में खूब ही अमेजिंग लगता है। एंड क्योंकि वो एक डिटेक्टिव है तो वो कोशिश करता है कि वो किसी भी चीज़ को कम से कम पकड़ कर उसे यूज़ करे, ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स उस पर ज़्यादा ना लगे, जैसे कि उसके फ़ोन और बाकी चीज़ों को पकड़ने का तरीका, जो कि देखने में खूब ज़्यादा यूनिक एंड अमेजिंग लगता है और जिसकी वजह से फैंस उसको पसंद करते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक एनिमे डिटेल जोन भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, खूब अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और मेरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट जरूर। मटी के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अब मैं नंबर 2 के बारे में बात करूँ। तो नंबर 2 का रीज़न है वो ये है कि जो एल है मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्योंकि उसका पहले तो फेस उसका रिवील नहीं हुआ था, उसका नाम तो एनिमे में रिवील नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मिस्टीरियस कैरेक्टर बन गया था और फैंस को मिस्टीरियस कैरेक्टर पसंद होते, जिसकी वजह से फैन पॉपुलेशन में आ गया था। एंड साथ में साथ उसका कोई घमंड नहीं था, कोई एटीट्यूड नहीं था कि वो इतना ज़्यादा बड़ा डिटेक्टिव है, फिर भी उसका कोई एटीट्यूड नहीं था, जिसकी वजह से वो फैन पॉपुलेशन में जल्दी पॉपुलर हो गया, मतलब फैंस के बीच में जल्दी पॉपुलर हो गया। नंबर 1 वो ये है कि जो एल था, हमें एनिमे में ऐसा लगा था कि वो हीरो है और लाइट विलन है, और लग रहा था कि एल सच में जस्टिस कर रहा है, पर रियलिटी ये है कि जो दोनों ही थे, उनके दोनों ही ओपिनियन अपने अपने जगह सही थे और अपने जगह जस्टिस थे। और एक रीज़न है वो है इंटेलिजेंट। एल बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जिसकी वजह से फैन उसको पसंद करते थे, क्योंकि जो एल प्रेडिक्ट करता था वो बहुत सही हो जाता था, मतलब जो प्रेडिक्ट करता था वो सही हो जाता था, जिसकी वजह से फैंस को पसंद आया था, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग फैंस को पसंद आते हैं। एंड डेथ नोट में एल बहुत ज़्यादा हमें स्मार्ट दिखाया गया है, तो इसलिए वो फेमस हुआ था। तो हाँ यार, आज का वीडियो यही था कि था, तो मैं मिलूंगा ऐसे ही नई वीडियो था, तब तक बिस्मिल्लाह, खुदा हाफिज़। और हाँ, मेरे साथ जिन्होंने कॉलैब किया उनके चैनल डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इंशाल्लाह, बाय।